हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुजरात में, और एक बार फिर से आपका स्वागत है धोलेरा स्मार्ट सिटी में। आज हम और आप देखने वाले हैं धोलेरा और अहमदाबाद को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम, जिसे कि कहते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद से धोलेरा एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप 30 से 40 मिनट्स में आप धोलेरा पहुंच जाएंगे अहमदाबाद से, जिसका भी निर्माण कार्य हम इस वीडियो में देखेंगे कितना कुछ काम हुआ है एक्सप्रेसवे के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्ट सिटी की, और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए ना आशीष भाई को बुलाते हैं। आशीष दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जी। हम और आप एक बार तो मिल चुके हैं, जिस पे चर्चा हुई थी दिल्ली के मास्टर प्लान के, लेकिन आज बात भारत के सबसे पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की। आप ये समझाओ कि ये जो स्मार्ट सिटी है, वैसे तो मैं पहले जब भी धोलेरा आता हूँ मेरे चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि एक वीरान जगह में मोदी जी ने एक विजन देखा था जी। आज से कुछ साल पहले जी। और आज वो साकार हो रहा है, मतलब हर कुछ महीने बाद यहाँ पर आओ। मुझे तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं इस जगह पर एंटर किए हुए, आप पिछले 7 साल से इस जगह को देख रहे हो, कितना बदला है पिछले 7 सालों में? ये 7 साल में ये मार्केट काफ़ी बदली है। मुझे आज भी याद है जब 2018 में यहाँ पे काम चालू हुआ था, तो जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे बिल्कुल बैरन ग्राउंड था। उस समय मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, यहाँ पर बैरन लैंड था, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये आंखों देखे सामने बनाए गए का हाल है। वीडियो में 4 साल पहले की एक फुटेज भी आप दिखाइएगा अपने दर्शकों को कि धोलेरा उस समय कैसा दिखता था, और आज 4 साल 5 साल में कंप्लीट होके ये कैसा दिख रहा तो है। ये जो रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आशीष दादा ने उस वक्त पे शूट किया था, और ये 4 साल पहले का फुटेज है। उस वक्त पे ये जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है कुछ इस तरीके का दिखता था, 4 साल बाद अगर आप आओगे तो कुछ इस तरीके का नजर आता है, और आज के प्रेजेंट में भी देखोगे तो आपको बदलाव ढेर सारे नजर आते हैं। और ठीक हमारे पीछे यहाँ पर लिखा भी हुआ है धोलेरा ए न्यू एरा। दादा, यहाँ पर धोलेरा न्यू एरा नाम दिया गया है, इस न्यू एरा में क्या क्या न्यू है आप वो जरा बताइए। देखिए, ये नया बनता हुआ हिंदुस्तान है, ये न्यू एरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज यहाँ इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जा रही है, वो एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू है। आप देखेंगे अमूमन, अगर मैं आपको डिफरेंसेस की बताऊं, तो पूरी जो योजना तैयार की गई है इस प्रोजेक्ट की, वो प्लान्ड है। चाहे आप रोड्स ले लो, रोड रस्ते, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे रेसिडेंशियल आर जोन की प्लानिंग ले लो, या इंडस्ट्रियल सेटअप ले लो, चाहे अब इस प्रोजेक्ट की जो पोटेंशियल है, तो जो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी, जो लोग अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली द कॉरपोरेट पीपल, द हाई लेवल इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की, जो आजकल आए दिन न्यूज़ों में बनी रहती है, सेमीकंडक्टर के लिए वेदांता कंपनी अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर सकती है, होपफुली पॉसिबली इस विंटर्स के दिसंबर में या जनवरी में, या फिर वाइब्रेंट गुजरात के हो सकता है उसके बाद भी। वेदांता जैसे इस मार्केट में एंटर करेगी, वहाँ से गेम बदल जाएगा, आपको लगता है? जी बिल्कुल, गेम बदल जाएगा। उसका एक बड़ा लॉजिक रीज़न है, जो मेरे अपने निजी विचार हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे जो लेबर लगेगी, जो मैन पावर लगेगा, वो हाई स्किल्ड होगा। अक्सर होता क्या है, आज जैसे हम देखते हैं रेन्यू पावर इंडस्ट्री है, ये रेन्यू पावर इंडस्ट्री में जो स्किल्ड लेबर लगेगी, वो एक मीडियम क्वालिफाइड भी होगी, एवरेज क्वालिफाइड भी होगी, हाई क्वालिफाइड भी होगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर, आई टेल यू, सेमीकंडक्टर नीड्स एजुकेटेड मैन पावर। तो जब यहाँ 25 साल से 35 साल के युवाओं की एंट्री होगी, 30 साल से 45 साल में अनुभव लोगों की यहाँ एंट्री होगी, हु आर एजुकेटेड, जिन्होंने ओवरसीज से माइग्रेट करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तब इस प्रोजेक्ट की जो रंगत होगी वो एक अलग लेवल पर होगी। तो जैसा कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि क्या है ये धोलेरा स्मार्ट सिटी, यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है, वो आशीष दादा ने हमें बताया है, और इससे ना आपको एक ओवर भी मिल जाता है कि क्या कुछ ये होने वाला है, नए भारत का नया स्मार्ट सिटी, अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नए भारत का नया स्मार्ट सिटी, जिसका विजन जब आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब इन्होंने देखा था। और बात एक 920 स्क्वायर किलोमीटर लंबे स्मार्ट सिटी की हो रही है, जो कि दिल्ली संघाई से भी बड़ा होने वाला है साइज में। तो दिल्ली जैसा शहर रातों रात तो नहीं बन सकता। ये तो थी बात धोलेरा स्मार्ट सिटी की। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि कितना कुछ काम हुआ है
धुलेरा एक्सप्रेसवे पे, जिसकी मदद से आप आसानी से धुलेरा और अहमदाबाद को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह से मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। पैकेज 4 है ये, जिस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, MKC। और यहां से मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो व्हीकल अंडरपास है, इसी व्हीकल अंडरपास के नीचे से एक रोड जाएगा जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी को आपको कनेक्ट करेगा। और यहां पर स्ट्रक्चर जो बनाना है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहां पर इसके आसपास जो अर्थवर्क का काम किया जाना है उसकी तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर के रैम के हिस्से पे जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है उसकी तैयारी की जा रही है। ये होने वाला है 8 लेन का 4 लेन ईस्ट साइड, और इसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 6 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। ये जो धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि तकरीबन 3600 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 4 पैकेज में इसे डिवाइड किया गया है। पैकेज 1, 2 और 3 होने वाला है 6 लेन का। 3 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा, जिसे कि 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और पैकेज 4, जिसका कि मैं इस वक्त पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखा रहा हूँ, ये होने वाला है 8 लेन का, जिसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये पैकेज 4 की जो परियोजना है ये है 38 किलोमीटर लंबा। ये पैकेज 4 12 लेन तक इसलिए एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि ये ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट है, एग्जिस्टिंग जो रोड है उसी में लेन ऐड करके इसे 12 लेन तक का बनाया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का जितना जो काम है वो सभी 12 लेन के हिसाब से किए जा रहे हैं, यानी कि अर्थवर्क से लेकर स्ट्रक्चर बनाने का जो काम है वो 12 लेन के हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको जो ड्राइव करने के लिए मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 4 लेन ईस्ट साइड। और इस तरफ जो मैं आपको लेकर चल रहा हूं ये है अहमदाबाद की तरफ, और जहां पर अभी फिलहाल आपको दिखेगा कि इस पैकेज 4 में अर्थवर्क का अच्छा खासा काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर एग्जिस्टिंग रोड है जो कि फिलहाल तो 2 लेन का है, जिसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इस जगह पर आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे क्योंकि इस जगह पर एक इंटरचेंज होगा इस धुलेरा एक्सप्रेसवे का, जिसकी मदद से आप आसानी से धुलेरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है दोस्तों, व्हीकल अंडरपास के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन इस जगह पर अर्थवर्क का जो काम किया जाना है वो अभी अच्छा खासा रह रहा है। अलाइनमेंट यहां से राइट को हो जाएगा और इसी वजह से आपको दिखेगा कि इस जगह पर ये जो रोड है उसके राइट में होता हुआ अलाइनमेंट आगे को जा रहा है। यहां तक तो ये ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट है। अब इस जगह के बाद ये जो एक्सप्रेसवे है वो हो जाता है ग्रीन फील्ड, मतलब ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड को क्रॉस करने के बाद पूरा नया अलाइनमेंट है, पूरी तरीके से सब कुछ नए ढंग से बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर भी आपको इंटरचेंज मिलेगा, जिसकी मदद से आप आसानी से धुलेरा स्मार्ट सिटी से या फिर ABCD जो बिल्डिंग है उससे धुलेरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहीं पर आपको ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, यही है ABCD, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस कंट्रोल धुलेरा, फुल फॉर्म है इस बिल्डिंग का। ये धुलेरा स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। और इस रोड से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये ग्रीन फील्ड का जो अलाइनमेंट है एक्सप्रेसवे का, उस पे आपको दिखेगा कि तेजी के साथ अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं रोड,
इसी रोड की मदद से आप ABCD बिल्डिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे से ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं, यही है ABCD बिल्डिंग, जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। चलिए अब मैं आपको इसके पैकेज 3 में लेकर चलता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये होने वाला है इसका पैकेज 3, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है GHV इंडिया। और ये पैकेज 3 होने वाला है तकरीबन 22.5 किलोमीटर लंबा। इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट का निर्माण किया जा रहा है, और उस एलिवेटेड पार्ट के रैम के हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। यहाँ पर पिलर का निर्माण भी कर लिया जा चुका है, इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है। और इसी तरफ से हम और आप धोलेरा से होते हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं अहमदाबाद के साइड का। जैसे ही आप टूवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ चलते हैं तो आपको यहां पर एक रोड दिखेगा, जो कि फिलहाल एयरपोर्ट को आपको कनेक्ट करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो एयरपोर्ट है धुलेरा का, उसको जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इस जगह का जब मैंने अपडेट दिया था इस धुलेरा एक्सप्रेसवे का, तो उस वक्त पे कितना कुछ काम हुआ था पहले वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं फुटेज, ये है जब लास्ट अपडेट दिया था धुलेरा एक्सप्रेसवे का मैंने पैकेज 3 का, जहां पर एयरपोर्ट रोड को ये क्रॉस कर रहा था। उस वक्त पे व्हीकल अंडर पास बनाया जा रहा था, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। वहीं आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब तो इस स्ट्रक्चर के आसपास रैंप का जो निर्माण कार्य किया जाना है उस पे आपको टीम काम करते हुए नजर आ जाएगी। और यहां पर ये व्हीकल अंडर पास के लिए बनाया गया है, ताकि हम और आप आसानी से इस रोड को क्रॉस कर सकें। और इसी तरफ ये आगे को जाने वाला है, जैसे जैसे इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो इस पैकेज 3 में, क्योंकि ये होने वाला है 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है 8 लेन के हिसाब से। इस वजह से आपको देखेगा कि यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। और ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है, यानी कि पूरा एक नया अलाइनमेंट है जिसके ऊपर इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस जगह पर भी इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी मदद से आप धुलेरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर जाएंगे। धुलेरा स्मार्ट सिटी से 20 किलोमीटर दूर यहां पर एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। इस जगह पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, पिलर बनाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से यहां पर अंडरपास का निर्माण होगा, क्योंकि यहां पर बनाया जाना है इंटरचेंज। तो उस इंटरचेंज के लिए यहां पर बनाए जा रहे पिलर्स, जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे तो यहां से आगे की तरफ निकल जाएगा और हम और आप इंटरचेंज की मदद से धुलेरा एयरपोर्ट को भी जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पे जितने भी स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो कर लिया जा चुका है, अर्थवर्क का काम यहां पर किया जा रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुजरात और खासकर इस धुलेरा रीजन में अच्छी खासी बारिश होती है, उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहां पर अच्छा खासा काम हुआ है। चलिए अब मैं आपको इस जगह से, यानी कि इस पैकेज 3 से लेकर चलता हूं पैकेज 1 पे, जो कि अहमदाबाद के साइड होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों पैकेज 1 अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का, जहां पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर अच्छा खासा काम कर लिया जा चुका है। अर्थवर्क का काम भी कंप्लीट हो चुका है, यहां पर लेन बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अब लेन मार्किंग का काम किया जाना है, और साथ ही साथ
यहाँ पर प्लांटेशन वर्क का भी काम किया जाना है। जी हाँ, पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे इस धोलेरा एक्सप्रेस वे पे, जिससे कि अच्छी खासी ग्रीनरी भी आपको आने वाले वक्त में इस जगह पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नहर है जिस नहर को ये क्रॉस कर रहा है, और उस नहर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जब मैंने अपडेट दिया था इस नहर के ऊपर, तो यहां पर आपको उस वक्त पिलर निर्माण का कार्य भी नहीं दिख रहा था। आज अगर आप देखोगे तो यहां पर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, मतलब पिलर भी बन चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। इस वक्त पे तो नहर के ऊपर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है उसकी तैयारी की जा रही है। नहर के दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग वर्क का काम भी कर दिया है, और जैसे ही इस नहर को क्रॉस कर जाओगे दोस्तों, तो उसके बाद देखेगा कि आगे कोई खास स्ट्रक्चर तो होने वाला है नहीं। तो इसी वजह से यहां पर आपको अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। इस जगह पर अर्थवर्क का काम भी कंप्लीट है, इस जगह पर लेन बनाने का काम भी कर दिया जा चुका है। अब यहां पर तैयारी की जा रही है लेन मार्किंग की और साथ ही साथ प्लांटेशन की। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहीं से आप अहमदाबाद में कनेक्ट कर सकते हैं इस अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को। अहमदाबाद के रिंग रोड पे यहां पर बनाया गया है ये इंटरचेंज, जो कि शेप लेता हुआ आपको यहां पर नजर आएगा। ये सर्कल जो कि फाइनली अब अपने रूप में आ रहा है कि किस तरीके से यहां पर इंटरचेंज होने वाला है, और इसके आधे हिस्से पे देखोगे तो इनफैक्ट यहां पर ना अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, रोड़ी बजरी अभी डाल दी जा चुकी है। दूसरे हिस्से पे देखोगे तो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, और इस वक्त पे भी अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको टीम काम करती हुई नजर आ जाएगी इस इंटरचेंज के। और वैसे लास्ट जब अपडेट दिया था इस जगह का जहां से इंटरचेंज स्टार्ट हो रहा है अहमदाबाद में, तो कुछ खास काम उस वक्त हुआ नहीं था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलता है इस जगह पर। ये जो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर, ये जो रिंग बना रहे हैं जिसकी मदद से आप कनेक्ट करोगे और एग्जिट लोगे, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही होने वाला है, और भी वाइड होगा ये। अर्थवर्क का काम यहाँ पर करती हुई मशीनरी आपको मिल जाएगी। तो ये जो मिट्टी है ना, इसको फैला रहे हैं, जैसे इस मिट्टी को फैलाने का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस पे बेडिंग तैयार करेंगे, ये देख रहे हो कुछ इस तरीके का, और फिर ब्लैक टॉप का काम करेंगे डीवीएम वर्क का। और अभी देखो ये मिट्टी डाल रहे हैं अभी। तो इस जगह पर आप कनेक्ट करोगे ना या एग्जिट लोगे तो 6 लेन होगा यहाँ पर, जो ड्राइव करने के लिए मिलेगा उससे डबल, ईस्ट साइड 6 लेन, टोटल अगर ऐड कर दूँ तो 12 लेन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियों का यहीं से तो मूवमेंट स्टार्ट होगा, यहीं पर लोग कनेक्ट करेंगे धोलेरा जाने के लिए अहमदाबाद से, और धोलेरा से अहमदाबाद आएंगे तो यहीं पर एग्जिट भी करेंगे। इसी वजह से इस सर्कल पर आपको लेन भी अच्छा खासा मिलने वाला है दोस्तों। बीच में जो जगह बचेगी उसमें ग्रीन पट्टी लगा देंगे, और ये जो रिंग रोड है अहमदाबाद का, इस पर तो आपको व्हीकल का मूवमेंट दिख ही रहा होगा कि एक बहुत ही बिजी रोड है ये, जिसके ऊपर अच्छी खासी गाड़ियां जो है वो आपको मूवमेंट करती हुई नज़र आ जाएंगी। इस तरफ आप जाओगे तो इसी तरफ है अहमदाबाद सिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये NHAI की परियोजना है दोस्तों, नितिन गडकरी साहब इसको बनवा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है इस अपडेट को देखने के बाद, दिखाने के बाद, कि अगले साल अप्रैल तक इसका कुछ हिस्सा स्टार्ट भी हो जाएगा। और ये देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि जब तक ये बन नहीं जाता ना, तब तक तो हम इसका कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखते ही रहेंगे मेरे भाई। इस तरफ वैसे देखोगे तो क्या दृश्य है इस हाईवे का, ये जो है NH 47। एक तरफ एक्सप्रेसवे जो कि फीचर होने वाला है, एक तरफ आपको प्रेजेंट दिखेगा, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कमाल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अहमदाबाद सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है ये, जहाँ पर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज होने वाला है, मतलब जहाँ से अहमदाबाद में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। और इस जगह पर दृश्य वाकई में कमाल का है, और यकीन मानिए
अगली बार जब इसका अपडेट दिखाऊंगा तो इस पे अच्छा खासा आपको काम देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है इस रीजन में, उसके बावजूद भी इस पे इतना काम देखने को मिला है, तो आप यकीन मानिए आपको अच्छा खासा काम आने वाले 2-3 महीने में इस पे देखने को मिलेगा। तो ये था अपडेट धोलेरा और उसे कनेक्ट करने वाले सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे धोलेरा एक्सप्रेसवे का। धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।